को बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहा बेटा? आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? बहुत अच्छे से आप लोग बैठे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे कक्षा जितने भी चली है आप लोग ने सुना, दीदी की कहानी तो बहुत ही अच्छा था भाई। गणेश जी बुद्धि के विधाता है ना, बुद्धि दाता। हम लोग सब लोग बोलते हैं ना, अगर बुद्धि चाहिए तो किसके पास जाएंगे दौड़े दौड़े? हम गणेश जी के पास जाते हैं। और गणेश जी को शक्ति चाहिए तो कहाँ जाते हैं? अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? दीदी ने बताया ना, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया आज, कि हमको कुछ चाहिए तो किनसे मांगेंगे बच्चे? हम लोग प्रत्यक्ष देवी देवता, प्रत्यक्ष भगवान कौन है हमारे? जब हम मांगते हैं ना, हमें पेन चाहिए तो कौन देगा जी? सबसे पहले हमको पेन चाहिए तो कौन लाके देगा? हमारे पिताजी लाके देंगे। हमको भूख लगी तो खाना कौन देगा? हमारी माता जी देंगे। तो जैसे ही हम वरदान मांगते हैं तुरंत मिल जाता है, वो प्रत्यक्ष देवता है हमारे माता और पिता बच्चों। और बहुत ही सुंदर दिवस है कल, 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस है। आप सब हमारे इस नए संस्कृति के आगाज करने वाले, शुरुआत करने वाले हमारे योद्धा हैं। यहीं से हम माता पिता जो बना रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं, उसकी नींव रख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने इस संस्कृति का शुरुआत किया। तो आइए बच्चों, अपने माता पिता को याद करते हुए हाथ जोड़कर एक गाना गाते हैं, ठीक है? आप लोग भी गाएंगे क्या? हाथ जोड़ते हैं और किसको देखेंगे? अपने मम्मी पापा को देखेंगे। आंख बंद करेंगे तो कौन दिखेगा? अपने मम्मी पापा। क्योंकि जब भी हम जो भी चीज मांगते हैं बेटा, कौन देता है? हमारी माँ देती है, हमारे पापा जी देते हैं। तो वे दोनों हमारे भगवान हैं। और हम आइए, चलिए हम अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो सब हाथ जोड़ेंगे, अपनी मम्मी पापा को ध्यान में रखेंगे, माँ पिताजी को, और गाना गाएंगे। आप लोग भी दोहराएंगे, चलिए। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, आइए। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बहुत उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। पिताजी के लिए, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बहुत उपकार,
हम पर किया बहुत उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। हाँ बच्चों गाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अपने माता पिता के लिए हमको गाना है, उनको प्रणाम करना है। दीदी और भी बताएंगी कि कल हम कैसे करेंगे। कल माता पिता पूजन दिवस है, आज कल आपको एक वीडियो भी बताया जाएगा। जैसे जैसे गणेश जी ने किया है ना, वैसे ही हमको भी करना है। तब हम क्या हो जाएंगे, हम भी, हमारे पास भी बहुत बड़ी बुद्धि आ जाएगी। हम भी दुनिया में सबसे पहले, जैसे गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं ना, तो कम से कम सबसे पहले नहीं लेकिन पूजे जरूर जाएंगे। सबसे पहले तो गणेश जी पूजे जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले पूजा किया। हम बाद में पूजा कर रहे हैं अपने माता पिता का, तो बाद में पूजे जाएंगे लेकिन जरूर पूजे जाएंगे ना। आइए बच्चों फिर से दीदी की ओर ले जाते हैं। दीदी आपको फिर नए नए चीज बताएंगी। अभी आगे क्या बनाने हैं हमको दीदी बताएंगे।